और पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामाइन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। आई एम योर आरजे, योर होस्ट सबा गिजाली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो सबका साथ, द प्रोजेक्ट ऑफ नई सबा। जनाब कैसे हैं आप? होपफुली यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट अलाइव जर्नी। जनाब क्या हाल है, क्या हो रहा है, कैसी है जिंदगानी? आपका जाना पहचाना प्रोग्राम विथ योर नोन फॉर्मेट, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ idioms, कुछ बातें, यस ऑल टुगेदर इन थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। जनाब तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे idiom भी, आज हम वर्ड्स भी लेंगे, कुछ अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स जो कि हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश की जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर जो हम एवरीडे इंग्लिश यूज़ करते हैं, उस पर भी हमें बाज़ दफ़ा वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सेम वर्ड्स बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो बोर हो जाते हैं और सुनने वाला भी कहीं ना कहीं बोर हो रहा होता है। तो जनाब बात करेंगे कुछ ऐसे idioms की, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हमारी इंग्लिश को बनाएंगे मज़ीद अच्छा और इफ़ेक्टिव होगी हमारी कम्युनिकेशन। तो आइए पहला idiom डिस्कस करते हैं। हमारा पहला idiom है cheap as chips। मजे के होते हैं ना chips, तो सस्ते भी होते हैं, तो cheap as chips। तो cheap CHEAP, cheap as, as CHIPS, chips, p for Pakistan, right? So cheap, चीप में भी पाकिस्तान वाला पी है और चिप्स में भी पाकिस्तान वाला पी है। सो चीप एस चिप्स, सो इट मीन्स इन एक्सपेंसिव। आई एन ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, इन एक्सपेंसिव। सो जनाब इन एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही सस्ता। तो जनाब जिस तरह से चिप्स सस्ते होते हैं उसी तरह से चीजें भी सस्ती हैं। इस idiom का मतलब ये है, जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं कि दिस ड्रेस इज चीप एज चिप्स। यानी कि अगर हम किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई ऐसा सूट मिल जाता है या कोई ऐसा ड्रेस मिल जाता है जो कि चिप्स की तरह जो है वो चीप होता है, तो उस सूरत में भी हम ये कह सकते हैं दिस ड्रेस इज चीप एज चिप्स। और इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी कार के एग्जिबिशन में जाते हैं या कोई ऐसी कार है कि जो बहुत सस्ती है, तो हम तब भी ये बात कह सकते हैं दिस कार इज चीप एज चिप्स। सो जनाब चलते हैं नेक्स्ट idiom की तरफ जो कि है फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग, एफ यू डबल एल फुल, ओ एफ ऑफ, टी एच ई द जॉयज, जे ओ वाई एस जॉयज, ओ एफ ऑफ, एस पी आर आई एन जी, पी फॉर पाकिस्तान, स्प्रिंग, फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग। तो जनाब ये idiom कहता है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा फन लविंग है तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज देखें जब हम बात करते हैं बहार की, मौसम बहार की, तब भी तो सब चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं, सब बहुत खुश होते हैं। तो इसी से ये निकला है फ्रेज के फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग। सबा इज़ फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग नाउ डेज। यस आपके देखें कि कितनी आवाज़ एनर्जेटिक निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग दीज डेज। सो व्हाट अबाउट यू, टेल मी इन योर कमेंट्स। सो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कहाँ कर सकते हैं ये तो हमने बात ही नहीं की। तो आइए बात करते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स आप हमें यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स फेसबुक पर भी कर सकते हैं, नई सुबह के पेज पे कर सकते हैं, सबके साथ के पेज पे कर सकते हैं, facebook.com/naisubah, NAISUBAH, नई सुबह। और इसके अलावा आप हमें सबके साथ के पेज पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें नई सुबह के ट्विटर या सबके साथ के ट्विटर पे भी अपने कमेंट्स और अपने व्यूज से आगाह कर सकते हैं। तो जनाब पढ़ते हैं आगे और नया लफ्ज लेते हैं क्योंकि हम मिले हैं बहुत दिनों बाद, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। नया वर्ड है हमारा enchanting, enchanting, E-N-C-H-A-N-T-I-N-G, enchanting, yes, enchanting, attractive, grabbing,
जो कि हमें अच्छा लगता हो, दिल को भाए, वो इंचांटिंग व्यूज भी हो सकते हैं, वो इंचांटिंग एडवाइस भी हो सकती है, वो किसी के थॉट्स भी हो सकते हैं, ओपिनियन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. इंचांटिंग प्लेस भी हो सकती है जनाब. जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज एन इंचांटिंग प्लेस टू गो, और नारान इज एन इंचांटिंग प्लेस टू गो, और झील सैफुल मलूक इज एन इंचांटिंग प्लेस टू गो. उसके अलावा जो है वो हम ये भी कह सकते हैं सबाज व्यूज ऑन सोशल इश्यूज आर इंचांटिंग, एंड व्हेन एवर आई मेक असाइनमेंट्स आई टेक हर एडवाइसेस. तो जनाब ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में और अपनी एवरीडे इंग्लिश में. एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और मजे का वर्ड है, तो आपको यूज करना चाहिए ना. मतलब जब हमारे लिए वर्ड्स बने तो हम ही यूज ना करें तो ऐसे तो नहीं चलेगा. थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे कर रहे हैं हम, और मेरा नाम है सबा गजाली, मैं हूँ आपके साथ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो सबका साथ, एंड दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ नई सुबह. आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या करते हैं, आगे बढ़ के हम शेयर करते हैं अपना अगला वर्ड विच इज एवोकेटिव. ए मीन्स ई, व मीन्स वी, ओ मीन्स ओ, ख मीन्स सी, एटिव ए टी आई वी ई, एटिव evocative. So something which is good, pleasant, or the thing which is remember for long. So this is evocative. He wrote a biography which is evocative. यानी कि बहुत अच्छा influence रहा होगा उस biography का. और ये भी कह सकते हैं the lyrics of the songs are evocative. यानी कि अच्छे हैं, pleasant हैं, या फिर देर तक याद रहने वाले हैं. तो इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं अपनी एवरीडे इंग्लिश को अच्छा और ब्यूटीफुल. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट क्लिक ऑन आवर शोज एंड कीप ऑन लिसनिंग एवरी वीक और एवरी शो. सो वील बी टुगेदर इन द नेक्स्ट शो. और अब आ गया है हमारे शो के खत्म होने का वक्त. फिर मिलेंगे अगले शो में. लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, एज यूजुअल एक ही मैसेज कि COVID-19 का ख्याल करें, SOPs का ख्याल करें, एहतियात कीजिए, मास्क पहने, एक हद तक डिस्टेंस बरकरार रखिए, लोगों से फासला रखिए. आपका एक दिन का फासला लोगों के 10 साल के जीने की वजह बन सकता है. बिल्कुल आप खुद भी महफूज रहिए और दूसरों को भी रखिए. आपका एक मस्बत कदम आपकी कौम को मस्बत राह की जानिब ले जा सकता है. तो बिल्कुल इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने दोस्तों में भी ये पॉजिटिविटी फैलाइए, उनमें अवेयरनेस पैदा कीजिए, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो लोगों को एनर्जी देते हैं. अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को, सबको ये बात समझाएं कि ये जो बीमारी है ये रियलिटी है, और इस पर हमें जो है वो कोई समझौता नहीं करना. अगर ये मिथ भी है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी एहतियात कर लेंगे तो हम ही सेफ रहेंगे. तो थोड़ी सी एहतियात अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जा सकती है. साथ ही साथ ख्याल रखें अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, और उन लोगों का भी जिनको आप चाहते हैं, जो आपको नहीं चाहते हैं, जिनको आप नहीं चाहते. अल्लाह के लिए सबका ख्याल रखिए, और प्लस लोगों को माफ़ करना सीखें. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोगों को माफ़ करना बहुत जरूरी है. सो इसी के साथ ही हमारा आज का शो खत्म हुआ. मिलेंगे अगले शो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. टिल देन अस्सलाम वालेकुम.